हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सिविल इंजीनियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेवल किसे बोलते हैं और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक नंबर में, तो बात करते हैं हम प्लिंथ लेवल का। प्लिंथ लेवल क्या होता है तो मैं आपको एक बताता हूँ प्लिंथ लेवल होता क्या है। जैसे हमारा ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना हुआ है ये, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। इस लेवल से ये ज़मीन के अंदर है, ठीक है, ये ज़मीन का बाहर है। तो यहाँ से अपना जो लेवल, ये जो लेवल होता है वो अपना प्लिंथ लेवल होता है। इसके ऊपर हम प्लिंथ लेवल पे बीम प्रोवाइड करते हैं, उसे प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। तो ये अपना होता है प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब दो नंबर में हम बात करते हैं सील लेवल का। सील लेवल बोल लो, या इसको हम विंडो सील लेवल बोलते हैं, विंडो सील लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है विंडो सील लेवल, जैसे कि ये कोई वॉल है अपना, ये मैं एक वॉल बना रहा हूँ, ये कोई वॉल है, इस पे एक लेवल होता है जहाँ पे हम विंडो प्रोवाइड करते हैं। ये मान लेते हैं वो लेवल है जहाँ पे हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, ऐसे विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि विंडो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विंडो का बॉटम लेवल से लेकर के जो फ्लोर लेवल होगा, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं सील लेवल। सील लेवल इस लेवल को हम बोलेंगे सील लेवल, इस लेवल को। अब बात करते हैं तीन नंबर की। एक होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या होता है? नेचुरल ग्राउंड लेवल ये होता है, जैसे हमारी ये कोई बिल्डिंग है, जैसे हमारी ये कोई बिल्डिंग है ऐसे बनी हुई है, इसका लेवल ये है अंदर का, और बाहर का ग्राउंड लेवल ये है। तो इस लेवल को, ये जो लेवल है अपना, इस लेवल को हम बोलेंगे नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है। और इस लेवल को क्या बोलते हैं, जहाँ पे फ्लोर हो, जहाँ पे हम पैर रख के घर के अंदर चलते हैं, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ग्राउंड लेवल। इसको बोलते हैं बिल्डिंग ग्राउंड लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेचुरल लेवल भी आप समझ गए क्या होता है। नेचुरल लेवल हमेशा जो होता है वो जो बिल्डिंग ग्राउंड लेवल होता है उससे डाउन होता है, कभी भी उससे वो डाउन ही रहेगा। क्योंकि अगर इसे हम डाउन ना करके हम नेचुरल बिल्डिंग ग्राउंड लेवल को डाउन कर देंगे तो यहाँ का पानी घर में घुस जाएगा। इसीलिए हमेशा ये नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, डाउन होता है बिल्डिंग ग्राउंड लेवल से। चार नंबर में अगर हम बात करें तो वही है अपना बिल्डिंग ग्राउंड लेवल। बिल्डिंग ग्राउंड लेवल मैंने आपको बता दिया कि बिल्डिंग ग्राउंड लेवल, कोई यहाँ पे घर बना हुआ है, इसमें ये घर का ये फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है, तो इस ये जो लेवल है इसको हम बोलेंगे बिल्डिंग ग्राउंड लेवल। इस वाले लेवल को बोलेंगे जो ज़मीन पे है, ये ज़मीन पे है, ये वाला होगा नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम पाँच नंबर में आते हैं फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल क्या होता है? फ्लोर लेवल को एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग ग्राउंड लेवल हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया फ्लोर है अपना घर के अंदर का, तो ये यही होगा अपना बिल्डिंग ग्राउंड लेवल ही होगा अपना फ्लोर लेवल, यानी कि ये फ्लोर का लेवल हो गया। अब कोई कहते फर्स्ट फ्लोर का लेवल, तो ये तो ऊपर आ गया, यहाँ पे ये फ्लोर लेवल हो गया, इसे ग्राउंड फ्लोर लेवल भी कह सकते हैं, फ्लोर लेवल भी कह सकते हैं और बिल्डिंग फ्लोर लेवल भी कह सकते हैं।
लेकिन इसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये घर नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ होता है, मतलब उसका लेवल ज़्यादा होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। ये कुछ लेवलें थी जो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।